इधर आपको आई बटन में इस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये अपना वीडियो नंबर 2 है और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखिएगा, हम इस टॉपिक के 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और आपको 5ों क्वेश्चन देखना चाहिए। ओके, देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है। एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 30 एंड एस डी। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 5। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो पहला अपना क्या है, ये अपना एक्स जो है दैट इज नॉर्मल वेरिएट जो है, ओके, इट लाइज बिटवीन 26 टू 40। ओके, इट लाइज बिटवीन 26 एंड 40, मतलब 26 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या दिया यहाँ पे, सेकेंड जो अपने निकाला दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। एंड थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला पार्ट है दैट इज यस मॉडुलस ऑफ, ओके, मॉड ऑफ एक्स माइनस 30, ओके, ग्रेटर देन अपना क्या यहाँ पे लिखा है 5 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा तीनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर तीनों में से अगर जानना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा अपना कौन सा होगा, इतना ये थर्ड वाला पार्ट। ओके, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अपने दिया है मीन, दैट इज म्यू अपने दिया दैट इज 30, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको अपन सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं दैट इज गिवन एज 5। तो हमारे पास क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यस, आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है जिसको आप दिमाग में डाल दो, क्योंकि ये फॉर्मूले को अपन लगभग हर जगह पे यूज करने वाले हैं। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जिसको अपन यहाँ पे जेड से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जिसको अपन जेड से डिनोट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। एक्स को एज इट इज रहने दो, म्यू और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये जो है ये अपना कॉन्स्टेंट रहेगा सभी प्रॉब्लम के लिए। ओके, ठीक है, बस क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो है अपने यहाँ पे चेंज होगा। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 पार्ट पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला जो पार्ट है उसको उसको अपन चेंज करेंगे। ठीक है, लेट अस कम टू द प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट पार्ट अपन आएंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक्स की जो वैल्यू है वो अपने क्या 26 से अधिक है। ओके, 26 से इक्वल है और अधिक है, और 40 से इक्वल है और 40 से कम भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 लेकर सॉल्व करेंगे फिर 40 लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, यस, व्हेन एक्स इक्वल्स 26 तो अपन जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 रखी है, विल गेट 26 माइनस 30 अपॉन में 5। इसको कैलकुलेट करिएगा, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन, दैट इज 0. माइनस ऑफ 0.8। ओके, और देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये अपना 26 के लिए अपना जेड मिल गया कि नहीं, यस। अब मुझे करना क्या है, 40 के लिए जेड की वैल्यू को निकालना है। ओके, 40 के लिए हम क्या करेंगे, आप जेड की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन देखो क्या होगा, यस, व्हेन एक्स इक्वल टू 40 जेड इक्वल्स टू 40 माइनस 30 अपॉन में 5 दैट इज 2। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगा इस बीच का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40, 26 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40 कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.8 लेस देन इक्वल्स टू जेड लेस देन इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल वेरिएट दिया हुआ था एक्स के टर्म में, मैं उसको क्या कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के टर्म में उसको मैं ला चुका हूँ। आपको हर प्रॉब्लम में ये वाला काम पहले करना पड़ेगा, दैट इज एक्स को हम क्या करेंगे जेड के, ओके, जेड के फॉर्म में इसको अपन लेके आएंगे, ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई बात समझ में, यस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यस। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, -0.8 से लेके 2 तक का लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जब को नॉर्मल कर्व बनता है, ओके, यहाँ पे देखेंगे, ओके, लेट सपोज ये अपना क्या है मीन है, तो अपना -0.8 जो मान लो कहा यहाँ कहीं है और 2 जो कहाँ पर है, 2 जो है यहाँ पे कहीं है। ओके, ठीक है, ये अपना क्या है -0.8 और ये अपने क्या है 2 है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से यहां निकालेंगे, ओके, फिर यहां से यहां निकालेंगे और दोनों को अपन ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, हमारे पास जो टेबल है हमको यहाँ पे टेबल यूज करना है, तो हमको टेबल यूज करने के लिए हमको 0 से 2 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे और इसको अलग कर देंगे। ओके, तो -0.8 लेस इक्वल टू जेड लेस इक्वल टू 2, तो इसको अपन क्या किए, यस, पी ऑफ -0.8 लेस इक्वल टू जेड लेस इक्वल टू 0, मतलब यहां से लेके यहां तक तो निकालूंगा, प्लस पी, ओके, 0 लेस इक्वल टू जेड लेस इक्वल टू 2, मतलब यहां से यहां तक का उसको अपन डिफरेंट अलग से निकालेंगे। ओके,
ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो टेबल रखा, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, टेबल में जो ना अपने पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे अपने को टेबल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 0.-0.8, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यस 0.8 पे निकालूंगा जो कि अपना पॉजिटिव है। आपको पता होगा मैं बताया था मीन के अबाउट क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है, मतलब ये जो एरिया होगा मेरा, ये जो अपना एरिया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली, ये जो एरिया होगा वो इसी एरिया के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है ना -0.8 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ दिखाएंगे, दैट इज p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 8। मैं इसको क्या किया, इस वाले फॉर्म में लेके आ गया हूँ, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी अपना क्या होगा, सेम होगा। अब ये जो है 0 से 0 2 तक का दिया हुआ है, ये अपना क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में था ऑलरेडी, तो इसको अपन एज इट इज रहने देंगे। अब देखेंगे यहां से लेके यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर जो एरिया होता है वो कितना होता है। तो यहां पर देखो ये एक टेबल है। ये जो है मैं इसको फोटो खींच लिया हूँ टेबल का, इसको देखते कैसे आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको देखो यहाँ पे क्या बोला, आपको यहाँ पे निकालने के लिए 0 to 0.8, तो मुझे करना क्या है, 0.8 का ही देखना, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो 0 के रेस्पेक्ट से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा 0 0 है ना, 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन लिखा है, यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4, तो ये बेसिकली है कैसा अपन समझेंगे पहले। जैसे मान लो आपको बोला है 0.6 निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 0.6 पे निकालेंगे, वो कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी। बट अगर क्वेश्चन बोला है 0.61 पे निकालने बोला है, तो 0.6 यहाँ पे हो गया और 1 अगला जो होगा वो यहाँ का हो जाएगा, दैट इज 0.61। वैसे आपको बोला है 9.2 पे निकालने के लिए, तो सॉरी 0.92 पे निकालना है, तो 0.9 यहाँ पे हो चुका है और 2 यहाँ पे हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये अपनी वैल्यू क्या होगी, 0.92 किलो हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो आपको 8.7 पे निकालना है, सॉरी 0.87 पे निकालना है, तो 0.8 यहाँ पे हो गया और 7 यहाँ पे हो गया है, तो 0.8 और 7 यहाँ पे कहाँ पे मैच करेगा बताओ, यहाँ पे ही मैच करेगा। तो ये अपना क्या होगा, 0.87 की वैल्यू जाएगी। तो वैसे देखो आपको क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, आपको जो वहाँ पे जो जब हमको जो टेबल यहाँ पे निकालना है वो किसको देख के निकालना है, 0.8 पे निकालना है। तो 0.80 का मतलब क्या, 0.80 होगा, तो 0.80 मतलब क्या होगा, अपने को ई वाली वैल्यू लिखनी है, दैट इज 0.2881 यहाँ पे लिख लिया मैं। अगर मान लो आपको टेबल का क्लियर क्लियरली अगर दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करना, YouTube में जो 3 बटन दिख रहा होगा ना इधर तरफ, इधर तरफ जो आपको 3 बटन दिख रहे होंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे प्ले ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप पिक्सल साइज को बढ़ा सकते हो। 360 पर रखिएगा तो आपको ये जो है टेबल पर आपको विजिबल दिख जाएगा। जो प्लेबैक क्वालिटी रहेगा, क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लेना, 360 पे रखना, आपको जो है क्लियरली दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ 0.8 के लिए, तो यहाँ पे 0.8 पे जो यहाँ पे है जो वैल्यू 0.2881, उसको अपन यहाँ पे लिख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यस दैट इज 0 से लेके 2, मतलब मुझे यहाँ पे 2 पे निकालना है। तो 2 का देख लेते अपन, यहाँ पर देखो यस अपना 2 पे मिला कि नहीं यहाँ पे, तो 2 पे देखो अपना वैल्यू क्या है, 0.4772, तो यहाँ पे लिख लिया अपन, दैट इज 4 मतलब 0.4772 अपन इसको लिख लिए। अब करना क्या है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने पे मुझे यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 0.7653 0.7653, और ये अपना क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट का निकालेंगे, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो यहाँ पे आते हैं अब, यस आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे, यस तो हम क्या करेंगे, अब एक्स इक्वल टू 45 रखेंगे कहाँ पे, यस जो अपना फॉर्मूला था, दैट इज एक्स इक्वल सॉरी जेड इक्वल टू x-30 अपॉन में, नीचे अपने क्या था, सिग्मा था, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक्स के लिए अपन क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, तो 45-30 अपॉन में 5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 45-30 दैट इज 15 अपॉन में 5 दैट इज 3 मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 से ग्रेटर निकालने के बोला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन का अपन समझते थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यस ये भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो समझना पड़ेगा। यस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना क्या है, नॉर्मल कर्व है। ये अपना क्या है, मीन है। आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, z इक्वल टू 3 है, तो लेट्स सपोज z इक्वल टू 3 कौन सा है, ये वाला पोजिशन है z इक्वल टू 3,
थ्री पे है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, थ्री से इक्वल भी होगी, ग्रेटर भी होगी, मतलब यहाँ से निकालना है, ये निकालना है। ओके, तो पता होना चाहिए कि चूंकि अपना ये सिमेट्रिक है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है टोटल का, वन होता है, तो सिंस सिमेट्री है तो ये अपने क्या होगा 0.5 हो जाएगा और ये अपने क्या होगा 0.5 हो जाएगा। तो सिंस अपने ये 0.5 है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन यहाँ पे। ओके, बेसिकली हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे टोटल निकालेंगे, ये टोटल कितना होगा 0.5 का हो जाएगा, और हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 3, 0 to 3 के बीच के निकालेंगे। तो टेबल से हम क्या करेंगे 0 to 3 के बीच के निकालेंगे और टोटल से उसको माइनस कर लेंगे। तो टोटल माइनस दिस मच पार्ट इज गोइंग टू गिव मी दिस मच पार्ट। ओके, तो यहाँ पे वही है, मैं लिखा हूँ 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके 0 to 3, जेड का क्या है 0 to 3 है। अब यहाँ पे टेबल में देख लो, देखो यहाँ पे यस, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। देखो 3 पे कितना लिखा है, 0.4987, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 0.5 को अपन एज इट इज यहाँ लिख लिए, यहाँ पे लिखे माइनस ऑफ 0.4987, यहाँ पे इसको देखिए अपन लिख लिया, यहाँ पे इसको से माइनस कर लो, विल गेट योर आंसर। ओके, तो ये अपने क्या बताओ सेकेंड वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। ओके, अब थर्ड वाला जो पार्ट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पर देखो मैं कैसे स्टार्ट किया हूँ, मॉड ऑफ यस मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा क्यों है आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। यस, देखो क्वेश्चन क्या बोला आपको, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5, बट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं मॉड ऑफ यस मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 ओके इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ऐसा क्यों है आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया है ना पहले इसको अपन लेके चलते हैं, एग्जैक्टली क्या पूछा है वहाँ पे अपन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो आपने क्या बोला, यहाँ पे मॉड ऑफ यस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 ओके ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। अब ये मॉड का मतलब क्या होगा, मॉड पे जब मैं हटाऊंगा तो ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो क्या होगा, ये एक्स माइनस 30 क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 5 होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा एक्स, इसको मैं वहां पर ले आता हूँ, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 35। ओके, अब मैं अगर नेगेटिव वाला वैल्यू लेता, ये अपना क्या पॉजिटिव वैल्यू था, ये अपने नेगेटिव मान लो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 5 होगा कि नहीं यहाँ पे। यस, अब क्या करूंगा इसको मैं वहां पे ट्रांसफर करूंगा मैं, तो एक्स माइनस 30 तो एज इट इज आएगा, बट ये अपना 5 क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा और ये साइन क्या होगा अपना चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, यस अब उसको वहां पे शिफ्ट कर लूँ तो एक्स ओके लेस देन यहाँ पे गया तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा ये प्लस 30 माइनस 5 दैट इज 25 हो जाएगा। तो अगर इसको आप नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करोगे तो ये देखो अपना क्या है 35, मान लो यहाँ पर 35 है और ये अपना क्या 25 है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो एक्स है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या है 25 से लेस होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए, और इसके हिसाब से क्या है एक्स की वैल्यू जो है 35 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब वो इधर वाले के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे इसके बारे में निकालना है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे इसके इसके बारे में निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम इतने वाले पार्ट को निकालेंगे और वन से माइनस कर लेंगे। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेल कर्व के अंडर में जो होता है एरिया क्या होता है, ओके प्रोबेबिलिटी होता है जिसके लिए क्या होती है वन होती है। ओके, अगर मैं 20 लाइन ड्रॉ कर लूँ, 20 में लाइन मतलब मीन के अबाउट अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वहाँ पे क्या होता है 0.5 0.5 होता है, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इतने वाले पार्ट को निकाल लेंगे, तो इतने वाले पार्ट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए ये वाले पार्ट का चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे वन से माइनस कर लेंगे, तो वही एग्जैक्टली जो है मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दैट इज इसको निकालेंगे, इसको निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इतनी आएगी, तो मुझे क्या चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा वन माइनस ऑफ इसकी वैल्यू जो अपन यहाँ पे निकालेंगे इसका, तो दैट विल गिव मी आंसर। ओके, तो देखो बनाना कैसे आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब इसका देखते हैं, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 ओके क्या है लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगर मान लो इसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है। ओके, तो क्या होगा एक्स माइनस 30 लेस देन इक्वल्स टू 5 हुआ कि नहीं, अब उसको वहां पे शिफ्ट करो, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा ये 35 हो जाएगा। ओके, वैसे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में आता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव में देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 30 लेस देन इक्वल्स टू 5 हुआ कि नहीं, अब इस नेगेटिव को अपन वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो अपने क्या होगा एक्स माइनस 30। ओके, तो देखो अपने क्या होगा 5 का अपना क्या होगा ये माइनस 5 हो जाएगा। ओके, और ये अपना क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाएगा। ओके, इसको अपन वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो अपने ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये नेगेटिव है वहाँ पे क्या पॉजिटिव हुआ, तो प्लस 30 माइनस 5 अपना क्या होगा ये 25 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर तो क्या है एक्स वैल्यू जो होगी 35 से इक्वल होगी या फिर कम होगी।
ओके okay, मतलब यहाँ से अगर मान लो 35 मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ से लेके इधर होगी, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या होगी, 35 के इक्वल होगी या फिर से कम होगी। वहीं अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, मान लो अपने ये क्या है 25 का नंबर लाइन है, तो यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर भी और इक्वल भी है, मतलब यहीं से क्या होगा ये शुरू होगा, इक्वल भी और ग्रेटर भी है, तो यही वाला पोजिशन है जो मुझको निकालना है। ओके इसको अगर निकालूंगा तो करना क्या है, वन माइनस करूंगा इसके साथ, तो मुझे क्या मिलेगा ये वाला पार्ट का मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में डिजायरेबल है। ओके तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, उसी को मैं लिखा हूँ, दैट इज एक्स बिलो एक्स इज इन बिटवीन 25 एंड 35। ओके तो जब एक्स की वैल्यू को 25 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, यस माइनस वन। ओके कैसे पुट करेंगे, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला आपने क्या था, जेड इक्वल्स टू यस एक्स माइनस 30 अपॉन मी 5, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा होता है, म्यू की वैल्यू कितनी 30 है और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5 दी हुई क्वेश्चन में। ओके तो ये अपना 25 अपने जेड की वैल्यू मिलेगी माइनस वन और एक्स की वैल्यू 35 मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स जेड की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, यस हम पहले इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ओके बिटवीन 25 एंड 35। ओके तो इसको हम क्या करेंगे माइनस वन और वन से इसको क्या करेंगे इसको, ओके ये अपना क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में है बट जेड के रेस्पेक्ट में ये क्या है माइनस वन से लेकर वन के बीच में है। ओके ठीक है, अब मुझे पता है माइनस वन और वन के बीच में क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर अपना ये बेल कर्व दिया हुआ है, ओके ये अपना क्या नॉर्मल कर्व दिया हुआ है, अपना क्या है मीन है। ओके ठीक है तो अगर ये वन है तो अपना ये क्या हुआ माइनस वन हुआ कि नहीं, ये अपना क्या माइनस वन हुआ कि नहीं, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इतने को लेंगे और उसको टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे वही अपन काम करेंगे, बिकॉज अपने पास जो टेबल दिया दैट इज फ्रॉम जीरो टू एनी नंबर एनी पॉजिटिव नंबर। ओके तो यहाँ पे क्या 0 to 1 लिख लिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज ये अपना क्या -1 to 1 था लेकिन यहाँ पे क्या 0 to 1 है, इसलिए अपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके ठीक है, अब हम टेबल में देखते हैं कि 1 पे वैल्यू क्या बनती है अपनी। ओके तो 1 पे देखते हैं वैल्यू क्या बनती है, यस 1 पे वैल्यू क्या है 0.3413। ओके 0.3413 उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो अपने का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 0.6826। बट मुझे क्वेश्चन में क्या ये अपना किसका आंसर है, इसका आंसर है, बट मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, इसको निकालने बोला है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, दैट इज 1 माइनस, ध्यान रखिएगा 1 से क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल को दिखा रहा है, टोटल को दिखा रहा है। ओके टोटल को दिखा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो, ओके यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1 है और बीच में किसी का वैल्यू क्या है इतना है, तो बाकी का वैल्यू कितना हो जाएगा यही तो पूछा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 0.3174 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके थैंक यू सो मच।